जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। घर के देवता बंधन में है, यह कैसे पता चलेगा? वे बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं? पितरों को खोलने का मंत्र और कुलदेवी को खोलने का मंत्र क्या है? आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि घर के देवता यदि बंधन में हैं तो आप स्वयं से कैसे पता कर सकते हैं और कुलदेवी और पितरों को खोलने का मंत्र क्या है? भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा विशेष रूप से आप सभी भक्तों पर बने रहे, ऐसे में भगवती बगलामुखी से कामना करता हूँ। घर के देवता या कुल देवी देवता बंधन में है या नहीं, इसका पता आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको निम्नलिखित कुछ संकेत यदि आपके जीवन में चल रहे हैं तो उनसे आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि आपके देवता, आपके कुल देवता या आपकी कुल देवी बंधन में है। तो विशेष रूप से यदि पहले नंबर की यदि मैं बात करूं, ध्यान और सपने, आप ध्यान में या सपने में अनुभव कर सकते हैं कि देवता या कुल देवी आपसे संवाद कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं या कुछ आपको संकेत दे रहे हैं। ये पहले नंबर का लक्षण है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके कुल देवता या कुल के देवी या पितर आपके किसी भक्त तांत्रिक ओझा के द्वारा अविचार आदि क्रिया करके उनको बंधन में कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो अचानक आने वाली परेशानियां, बाधाएं, घर में अचानक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं। विशेष रूप से जिस घर की आर्थिक स्थिति कमजोर या पूर्ण रूप से इनकम जब बिल्कुल बंद हो जाए तो ये इसका विशेष रूप से संकेत है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, निरंतर उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहने लगता है और मेडिसिन या फिर दवाई कराने के बाद में भी उस व्यक्ति को मेडिसिन से दवाई से लाभ नहीं मिलता। यदि आप कोई टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। ये संकेत हो सकते हैं कि घर के देवता या कुल देवी देवता बंधन में होते हैं। तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूँ तो पूजा के समय रुकावटें, अगर आप नियमित रूप से पूजा कर रहे हैं, आप अपने घर में नियमित रूप से अपने देवी देवताओं की, इष्ट की पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान कोई विशेष रुकावटें यदि आ रही हैं, कोई धार्मिक या शुभ कार्य आप यदि करते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाना या फिर उसमें विघ्न आना, बाधाएं उत्पन्न होना, तो यह भी संकेत होता है कि आपके देवी देवता जो है वो बंधन में है। चौथे नंबर पर यदि मैं बात करूँ तो सकारात्मक ऊर्जा का अभाव, जिस घर के कुल देवी देवता पितर यदि बंधन में होंगे तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो पूर्ण रूप से रुक जाएगा और निगेटिव एनर्जी का प्रवाह ज़्यादा रहेगा। उस घर में निरंतर बिना हुई बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े निरंतर चलते रहते हैं और अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न समस्याएं आपके जीवन में आती रहती है और आपका कोई भी काम बिना विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि 99% पर आकर के भी यदि आप अपने जीवन में जीरो हो जाते हैं तो आपके कुल देवता या देवी बंधन में है, ये इसका मुख्य संकेत है। घर का कोई व्यक्ति या विशेष रूप से मुखिया अकारण ही चिंताग्रस्त रहता है, तनाव में निरंतर वो रहता है और बिना हुई बातों को लेकर यदि परेशान रहता है, मानसिक चिंताएं आपके जीवन में घर कर गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके कुल देवी और देवता बंधन में। तो बंधन मुक्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि आपको पता चल जाए ये समस्याएं, ये लक्षण आपके जीवन में आपको दिखाई देते हैं तो आपको इनको बंधन मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? पितरों के लिए यदि आपके कुल देवता या पितर बंधन में हैं तो पितरों को मुक्त करने के लिए आपको ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप
निरंतर रूप से करना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध कर्म, पितृतर्पण, पीपल के वृक्ष में जल, पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण आपके जीवन में साबित हो सकता है। ये उपाय आपको निरंतर करते रहना चाहिए। सेकंड नंबर की यदि मैं बात करूं तो कुल देवी को मुक्त करने के लिए, यदि कुल देवी के निमित्त घर में कोई दोष है, उस दोष की निवृत्ति आप चाहते हैं कि कुल देवी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो कुल देवी को बंधन मुक्त करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का जो मंत्र है, दुर्गा का नवारण मंत्र, ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र, मैं पुनः दोहरा देता हूँ। इस मंत्र को आप दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप निरंतर रूप से यदि जप करते हैं और एक विशेष अनुष्ठान यदि आप करते हैं, 90,000 मंत्रों को आप नवारण मंत्र जपिए और 90,000 मंत्र जपने के बाद में इसका दशांश आप यज्ञ करिए, दशांश तर्पण मार्जन और क्षेत्रपाल दिक्पाल आदि बलि करके कंजक पूजन यदि आप करते हैं तो अपने कुल के देवी का विशेष पूजन आप करके कंजक पूजन करें, उन्हें मिठाई या अन्य जो कुल देवी को भोग लगता है वो प्रिय चीजें यदि आप कुल देवी को अर्पित करते हैं तो ऐसे कुल देवी का बंधन खुल जाएगा और विशेष रूप से आपके जीवन में कुल देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो सभी देवी देवताओं के लिए, यदि आपको पता ही नहीं है कि आपके पितृबंधन में है या कुल देवता बंधन में या कुल देवी बंधन में है, तो उसके लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, किस मंत्र का आप अपने जीवन में जप करके अपने जीवन को बाधा मुक्त बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, अपने घर को अपने गृहस्थी को सुचारू रूप से यदि आप चलाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको यथासंभव जप करना चाहिए। यदि आप नित्य प्रतिदिन इस मंत्र की 11 माला नित्य यदि जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या विग्रह को अपने घर में स्थापित करके और किसी देसी घी का दीप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा तस्वीर के समक्ष जला करके आप इस मंत्र को नित्य प्रतिदिन जपें और नियमित रूप से आप पूजा हवन आप करते हैं इस मंत्र के द्वारा, तो आपको विशेष लाभ इस मंत्र के प्रभाव के द्वारा आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यह मंत्र और पूजा विधियां घर के देवताओं और पितरों को बंधन मुक्त करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा आप अपने कुल परंपराओं के अनुसार, कुल परंपरा जो आपके कुल की निरंतर परंपराएं चलती आ रही हैं, उस परंपरा के अनुसार आप पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगला मुखी, जय श्री महाकाल।